25 साल पुरानी बात है। 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को इस घने जंगल में अचानक एक बिना छत वाली जीप रुकती है। इसमें हम साथ साथ हैं मूवी के एक्टर्स मौजूद हैं। ड्राइवर सीट पर सलमान खान, साइड में सैफ अली खान, पीछे वाली सीट पर तीनों एक्ट्रेसेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी। कथित आरोप है कि सलमान खान ने जोधपुर के कंकाणी गाँव के इस जंगल में 2 ब्लैक बक्स यानी कि काले हिरणों का शिकार किया और इसका परिणाम ये हुआ कि जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आज 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि जो सलमान खान 5 साल पहले ब्लैक बक पोचिंग केस की सफाई कुछ ऐसे देते थे। अब मैं चाहता हूं कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। आज उनके शुभचिंतकों की ये हालत कैसे हुई? मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया, मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक जेल में बंद बैठा हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे सिद्धू मूसेवाला को जान से मरवा सकता है, कैसे इंडिया में 1000+ शूटर से कनेक्टेड है और कैसे बैंकॉक और थाईलैंड तक इसकी गैंग्स फैली हुई है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट से गैंगस्टर कैसे बन गए। बात 12 फरवरी 1993 की है। फिरोजपुर पंजाब के एक गाँव में लॉरेंस का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और 1997 में रिटायर होकर खेती का काम संभालने लगे। एक साल बाद अक्टूबर 1998 में अब लॉरेंस 5.5 साल का हो गया है और ऑब्वियसली उसे कोई अंदाजा भी नहीं है कि एलिजिडली जोधपुर में इस दौरान सलमान खान 2 ब्लैक बक्स का शिकार कर रहा है और 25 साल बाद इसी बॉलीवुड के भाईजान को मारना उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद रह जाएगा। खैर, 12th पास करके 2010 में लॉरेंस बिश्नोई DAV कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 10वीं में लॉरेंस बिश्नोई एक लड़की को काफी पसंद करता था और 12th पास करते करते ये एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। DAV कॉलेज चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही एडमिशन लिया था आगे की पढ़ाई के लिए। कॉलेज में काफी पॉपुलर होने की वजह से लॉरेंस ने स्टूडेंट सिलेक्शन में खड़ा होने का डिसीजन लिया और अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU बनाई। इलेक्शन के दौरान लॉरेंस की मुलाकात हुई गोल्डी ब्रार से। ये वही गोल्डी ब्रार है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस के अनुसार फिलहाल कनाडा में बैठे बैठे ही इंडिया में अपनी गैंग्स रन करता है। खैर, काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ये इलेक्शंस हार गया और चूंकि अपोजिशन पार्टीज के बंदों के साथ उसकी दुश्मनी चलती ही रहती थी, इसलिए उसने एक गन खरीद ली। लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कॉलेज में बढ़ती गई और जनवरी 2011 में धीरे धीरे इस दुश्मनी ने शूट आउट और गैंगवार का रूप ले लिया। इस शूट आउट की वजह से उस पे FIR हुई, लेकिन इस बात पे ध्यान दो कि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक पक्के अपराधी का रूप तब लिया जब इसकी गर्लफ्रेंड को अपोजिशन पार्टी वालों ने जिंदा जला दिया। बस अब क्या था, लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री दहशत की दुनिया में हो चुकी थी। बदला लेने के लिए उसने अपने कनेक्शंस बढ़ाने शुरू कर दिए। जाने माने क्रिमिनल्स जैसे जग्गू भगवानपुरी और रॉकी फैजिलका के साथ उसने हाथ मिला लिया। वो कांड करता, पकड़ा जाता, जेल जाता और कनेक्शंस की मदद से छूट जाता। ये होता रहा। लेकिन एक दिन राजस्थान पुलिस के साथ शूट आउट में उसे धर दबोचा गया और जयपुर में स्थित जवाहर सर्किल पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। तब से लेके आज तक लॉरेंस बिश्नोई का अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जाता रहा है, लेकिन है वो पुलिस की गिरफ्त में ही। अब इससे पहले आगे बढ़ के हम ये समझें कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे सलमान खान को मारने की प्लानिंग कैसे कर रहा है, ज्यादा जरूरी ये समझना है कि सलमान खान की जान लेने के लिए वो इतना कमिटेड क्यों है। देखो, लॉरेंस बिश्नोई, इसके सरनेम पे फोकस करो। बिश्नोई, बिश्नोई, 20-9। जी हाँ, ये बिश्नोई कम्युनिटी 20 और 9 यानी 29 नियम को फॉलो करती है। मान्यता यही है कि असली बिश्नोई वो ही है जो इन 29 रूल्स को फॉलो करता हो। इन 29 रूल्स में से कुछ रूल्स ये भी हैं कि दारू नहीं पीनी है, अमावस्या को व्रत रखना है, नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, सुबह सूर्योदय होते ही नहाना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जानवरों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस 5वें पॉइंट की इम्पोर्टेंस आप इस इमेज की मदद से भी समझो। एक बिश्नोई महिला एक हिरण को स्तनपान करवा रही है। ये ब्लैक बक्स आपके और मेरे लिए एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए पालतू और पूजनीय हैं। लोग इस बात के लिए बिश्नोइयों को प्रेज भी करते हैं। जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए,
ये कम्युनिटी ब्लैक बक्स को बच्चों की तरह पालती है और दुखद तौर पर ऐसा कथित आरोप है कि सलमान खान ने इनके बच्चों का यानी काले हिरणों का शिकार किया है। बट वेट, क्या सलमान खान ने सच में शिकार किया था? चलो ब्लैक बक पोचिंग केस में आपको विटनेस साइड की स्टोरी दिखाता हूँ। बात राजस्थान के जोधपुर में कंकाणी गाँव में 25 साल पहले 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि की है। छोगा राम जी को अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। आज चांदनी रात है। मेरे को ठीक है, आपने सबको कोर्ट में पहचाना, लाइट में देखा था आपने? हाँ, लाइट में देखा। तो ये लाइट आज चांदनी रात ही, चांदनी रात थी, चांदनी रात थी। गोलियों की आवाज सुनकर छोगा राम जी बाकी लोगों को लेके लाठी डंडों के साथ मौका वारदात की जगह पर दौड़ के पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें जिप्सी दिखाई दी जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे। मौके पे पहुंचते ही जैसे ही गांव वालों को वहां मरे हुए हिरण दिखाई दिए तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन जिप्सी वालों ने इनका शिकार किया है। गुस्से में आके गांव वालों ने लाठी डंडे बरसाने शुरू किए तो जिप्सी में बैठी लेडीज चिल्लाने लगी और ड्राइवर ने चिल्ला के उनको चुप करवाया। कुछ एलिजेड रिपोर्ट्स इतनी प्रिसाइज भी हैं कि तब्बू चिल्ला रही थी और सलमान खान उनको चुप रहने के लिए बोल रहे थे। इतनी पूरी हलचल में गांव वालों ने जिप्सी का नंबर नोट कर लिया और ये बहुत बड़ी दिक्कत बनी सलमान खान के लिए। अब जिप्सी का नंबर पुलिस थाने में दिया गया तो पता चला कि जिप्सी किसी यादव साहब के नाम पे है। यादव साहब से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने अपनी जिप्सी किराए पे दे रखी है किसी फिल्म यूनिट को। उन्होंने डिटेल में बताया कि जोधपुर के किसी पैलेस में एक फिल्म की शूटिंग चलते कुछ एक्टर्स रुके हुए हैं। उस फिल्म की टीम को ये जिप्सी किराए पे दी गई थी। पुलिस को अंदाजा लग चुका था कि शूटिंग तो फिलहाल हम साथ साथ हैं मूवी की चल रही है। फर्दर इंक्वायरी से पता चला कि जिप्सी की जिम्मेदारी हरीश दुलानी नामक व्यक्ति को दे रखी थी जो कि उसका ड्राइवर था। इस हरीश दुलानी को अच्छे से देख लो, ये इस कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसने ही सबकी धोती खोली थी, सारे राज कोर्ट के सामने इसने ही बताए थे। इसने ये भी बताया था कि सिर्फ 1 और 2 अक्टूबर को ही नहीं, उससे पहले सितंबर 1998 के लास्ट वीक में भी सलमान खान ने 2 बार हिरणों का शिकार किया था। दुख की बात तो ये है कि फिलहाल इसकी हालत ये है। क्या आपने देखा था, क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था आपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? अब नहीं है, डर लगता है भाई। वो इसलिए क्योंकि इसके परिवार वालों को लगातार धमकियां तक मिली हैं। इसी समय आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जीप में जो 7 लोग मौजूद थे उसमें जो पीछे 2 मेल्स बैठे थे उनमें से एक था ये हरीश दुलानी और दूसरा था दुष्यंत सिंह जो एज अ गाइड काम करता था उस होटल में जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे। उसके बाद कई बार सलमान खान हियरिंग्स के लिए कोर्ट जाते रहे, जेल भी गए लेकिन बेल मिलती रही। लेकिन फाइनली 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी गई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। परंतु बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात से आज तक नाराज है वो ये कि सलमान खान के जेल जाने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को बेल मिल गई और केसेस यूं ही कोर्ट में घूमते रहे। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कानून हाथ में लेने की ठान लेता है और पुलिस की जीप में बैठ के पुलिस वालों के सामने बोलता है, सिक्योरिटी आपकी है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का घर में मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। खैर, फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है लेकिन अपने राइट हैंड गोल्डी ब्रार और गैंग मेंबर्स के साथ कनेक्टेड रहते हुए सलमान खान को जान से मारने की इसकी प्लानिंग काफी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल है। सलमान खान को मारने की सबसे पहली कोशिश इसने 2019 में की थी जब गैंगस्टर संपत नेहरा को इसने मुंबई भेजा था। संपत नेहरा को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि उसने काफी टाइम तक गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की लेकिन हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। सलमान खान को मारने की दूसरी कोशिश इसने 2022 में की थी जब कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार ने एक शूटर को मुंबई भिजवाया और हमले की साजिश करने के लिए मुंबई में उसे एक कमरा दिलवाया। सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई, फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती तक भी कर ली थी, हर मूवमेंट पर नजर थी लेकिन सलमान खान के साथ हैवी सिक्योरिटी होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सलमान खान के पिताजी सलीम खान जिस पार्क में वॉक के लिए जाते थे उस पार्क की बेंच पर उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि तेरा सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे और सबसे लेटेस्ट यानी 22 मार्च 2023 को सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी मिली है जो कि रोहित गर्ग नामक व्यक्ति ने भेजी है और गोल्डी ब्रार ने भिजवाई है। अगेन वही सेम बात लिखी है कि या तो माफी मांग ले या जान जाएगी। ये माफी मांगने वाला मसला ये है कि लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं सलमान खान की जान नहीं लूंगा, माफ कर दूंगा और यहां तक कि उसके पैर भी पकड़ लूंगा अगर सिर्फ और सिर्फ हम बिश्नोइयों के मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में जाके वो माफी मांग ले तो। कैसे आप माफी चाहते हैं? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके
हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। देखो ये है वो मुक्तिधाम मुकाम मंदिर जो कि राजस्थान में बीकानेर जोधपुर स्टेट हाईवे के पास स्थित है। खैर धमकियां मिलने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। आर्म्स लाइसेंस के अंडर एक पर्सनल रिवॉल्वर उनके पास है और निसान की हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर अपग्रेड कर लिया गया है। वाई प्लस सिक्योरिटी का मीनिंग है कि इसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व होंगे जिसमें से 2 PSOs यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स रोटेशनल बेसिस पे हर वक्त आसपास रहेंगे और 1 या 2 NSG कमांडोज भी रहेंगे। कहानी का तात्पर्य ये है कि सलमान खान माफी मांगने के लिए रेडी है नहीं और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है तो उससे पीछे हटने की उम्मीद कर भी नहीं सकते। एलिजिटली जहां पे सलमान खान ने ब्लैक बक्स को मारा था वहां बिश्नोई समाज ने ऐसा स्मारक बनवा दिया है। और लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू ये भी है कि कथित तौर पर वो एक देश प्रेमी है। जब छोटा था तो गांव में बच्चों को नशा करने से रोकता था। गांव के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था। एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। शहीद भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है और कहता है कि अगर जेल से छूट गया तो गायों की सेवा करेगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। फिलहाल हम सब के लिए जरूरी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के क्राइम्स को ग्लोरीफाई ना किया जाए और देश का युद्ध इस दिशा में ना बढ़े। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फ्लॉड है कि पुलिस की निगरानी में जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस बिश्नोई अपनी पूरी गैंग्स के साथ कनेक्टेड है, क्राइम्स करता जा रहा है और उसके शब्दों में कुछ इस तरीके से घपले हो रहे हैं। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। रुको, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आजकल यंग इंडियंस में हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं, जरूर देखो।